सो गाइज, आज इस वीडियो के थ्रू हम जिस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करना चाहेंगे वो टॉपिक बहुत ही पुराना है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गाइज, आज हम इस वीडियो के थ्रू आपसे बात करना चाहेंगे वर्चुअल रियलिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही पुराना समय से चलता हुआ आ रहा है लेकिन आज भी शायद ही सबके पास इसके रिगार्डिंग कोई क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। इस वीडियो के थ्रू हम आपको वर्चुअल रियलिटी का क्लियर कॉन्सेप्ट भी देंगे और उसके साथ ये भी बताएंगे कि वर्चुअल रियलिटी में आप कैसे जा सकते हो। गाइज, हम लोगों के पास वर्चुअल रियलिटी में जाने का एक ही जरिया फिलहाल है, वो है वीयर बॉक्स के थ्रू। जी हाँ गाइज, जो वीयर हेडसेट हम लोग यूज़ करते हैं उसी के थ्रू जो है हम वर्चुअल रियलिटी में अपने आप को जो है ले जा सकते हैं। सो सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वर्चुअल रियलिटी एक्चुअली होता क्या है। सो गाइज, वर्चुअल रियलिटी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है। सो गाइज, वर्चुअल का मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं वर्चुअल थिंग। सो वर्चुअल और रियलिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, रियलिटी होता है जो वास्तविकता, मतलब एक ऐसा वास्तविकता जो कि रियली एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, जिसको हम सोच सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं। एक थ्री डायमेंशनल इंटरफेस जो कि जिसमें हम अपने आप को ले जा सकते हैं लेकिन वो रियलिटी नहीं होगा, वो एक वर्चुअल दुनिया होगा। मतलब कुछ समय के लिए हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं लेकिन उसको सोच सकते हैं। सो यही होता है गाइस वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी में जाने का हम लोगों के पास एक ही जरिया अभी तो फिलहाल है, वो है वीयर बॉक्स। तो इस वीडियो में चलिए जान लेते हैं कि वीयर बॉक्स को ख़रीदने से पहले वो कौन कौन सा चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाइस वीयर बॉक्स एकमात्र चीज़ है जो हमको वर्चुअल रियलिटी में ले जा सकता है। अगर हम लोग कोई इम्प्रॉपर वर्चुअल बॉक्स ख़रीद लेते हैं तो हम जो है वर्चुअल रियलिटी का मज़ा पूरे तरीके से नहीं ले पाएंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। सो हे गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं प्रशून आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों, एक डुबकी लगा ही लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीयर बॉक्स बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैंड अलोन वीयर, एक होता है टेदर्ड वीयर। सुनने में तो बहुत ही टफ लग रहा है लेकिन गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी ये वीयर बॉक्स ज़रूर देखेंगे और आप भी इसको जानते हो, सिर्फ इसका नाम जो है मैं सही से प्रोनाउंस करके आपको बता रहा हूँ, बस दैट्स इट। अगर बात करें स्टैंड अलोन वीयर की, तो स्टैंड अलोन वीयर गाइज उस वीयर को कहा जाता है जिसमें आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन को अपने वीयर के साथ सेट करके वर्चुअल रियलिटी का मजा लेते हो, उसको कहा जाता है स्टैंड अलोन वीयर। और टीदर्ड वीयर नॉर्मली गेमिंग वीयर, जो गेमिंग करते हैं हम लोग, गेमिंग मतलब वर्चुअल रियलिटी में जाके गेमिंग का मजा लेते हैं, उसको कहा जाता है टीदर्ड वीयर। अभी बात कर लेते हैं कि एक वीयर बॉक्स को खरीदने से पहले वो कौन सा फीचर्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। सो गाइज, अगर बात करें स्टैंड अलोन वीयर की और टेदर्ड वीयर की, तो दोनों में ही सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी गाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वालिटी ना हो कि वीयर बॉक्स का वजन जो है बहुत ज़्यादा हो। अगर वीयर बॉक्स का वजन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, आपके आँखों में वो हमेशा घंटों भर सेट रहेगा तो आपका आँख कान नाक जो है दर्द करने लगेगा, ऐसे में आप उसका मज़ा सही से नहीं ले पाओगे, इसलिए आप उसका बिल्ड क्वालिटी पे हमेशा ध्यान रखिए। अभी बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर्स की, तो दूसरे फीचर्स में गाइस स्टैंड अलोन वीयर की अगर बात करें तो स्टैंड अलोन वीयर में जो है मोबाइल फ़ोन जो है एक पर्टिकुलर वीयर के सामने एक स्लॉट रहता है जिसमें मोबाइल फ़ोन को सेट किया जाता है। सो ऐसे में वो स्लॉट का साइज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गाइस, आप खरीदने से पहले उसको देख लीजिएगा उसका साइज एडजस्टेबल है कि नहीं, क्योंकि गाइस आप एक 5 इंच स्लॉट वाला स्टैंड अलोन वीयर को खरीद लिए हैं उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपका मोबाइल हैंडसेट जो है उसको चेंज करेंगे, आप बड़ा स्क्रीन वाला मोबाइल हैंडसेट लेंगे, 6 इंच का मोबाइल हैंडसेट लेंगे। और अगर आप ले लेते हो वैसे 6 इंच का मोबाइल हैंडसेट को, तो वैसे में आपका वीयर बॉक्स जो है वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा, आप उस फ़ोन को जो है उस वीयर बॉक्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखिए कि वो एडजस्टेबल जो स्लॉट है वो एडजस्टेबल है या नहीं है। तो अगर एडजस्टेबल है तो उसमें आप
वेरियस टाइप्स मतलब वेरियस साइज का मोबाइल को जो है कनेक्ट कर पाओगे अपने वीआर बॉक्स के साथ। अगर अभी बात कर लेते हैं टेदर्ड वीआर की, सो गाइस टेदर्ड वीआर में आपको दूसरा चीज़ जो ध्यान देना चाहिए वो है जो रूम कवरेज वो दे रहा है, मतलब कितना साइज का रूम के अंदर आप उसको यूज़ कर पाओगे, मतलब वायरलेसली वो कितना काम करता है, कितना इफेक्टिव है। आप देखिएगा उसका डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखा होगा कि 20 फीट बाई 20 फीट, 8 फीट बाई 12 फीट का रूम कितना कवरेज उसका देता है। जितना कवरेज देगा उतना ज़्यादा आप वर्चुअल रियलिटी का मज़ा ले सकोगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा हो जाने से क्या होता है गाइज के गेमिंग का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही स्लोली काम करता है, वैसे में आप वर्चुअल रियलिटी का मजा सही से नहीं ले पाओगे। सो इसका कवरेज आप जरूर देख लीजिए गाइस। अभी बात कर लेते हैं इसके तीसरे फीचर्स की, वो है इसका नोज पैड। यहाँ गाइस ये वीआर बॉक्स जो है सेट होता है आपके नोज के ऊपर, अगर नोज पैड ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो वीआर बॉक्स को जो है आप घंटों भर यूज़ नहीं कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट या फिर आधा घंटा यूज़ कर पाओगे, वैसे में आपका जो है वीआर बॉक्स बिल्कुल नाकाम और बिल्कुल घटिया लगने लगेगा, उसके बाद आप वीआर बॉक्स को यूज़ करना छोड़ दोगे। इसलिए आप नोज पैड का क्वालिटी भी ज़रूर चेक कर लीजिए वीआर बॉक्स को खरीदने से पहले। अभी बात कर लेते हैं इसके चौथे फीचर्स की, तो चौथा फीचर्स गाइज इसका लेंस जो होता है वो देख लीजिए, लेंस का बिल्ड क्वालिटी कितना है जिसके थ्रू आप वर्चुअल दुनिया में एंटर करने जा रहे हो, उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। और साथ ही में ध्यान रखिए इसके लेंस का एडजस्टमेंट की, क्योंकि गाइस हमेशा हम लोगों के आंखों का जो दोनों आंखों का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो सबका सेम नहीं होता है, सो ऐसे में जो है उस दोनों लेंस को जो है सेट करना अपने आंखों के हिसाब से सेट करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आप वर्चुअल दुनिया का सही से मजा नहीं ले पाओगे। सो वो एडजस्टेबल पॉइंट को भी आप जरूर ध्यान में रखिए और जरूर उसको सही से चेक करके फिर खरीदिए एक अच्छे वीआर बॉक्स को। अभी गाइस बात कर लेते हैं पांचवा और इसके लास्ट फीचर्स की, जिसको आपको ध्यान में जरूर से रखना चाहिए, इसका स्ट्रैप क्वालिटी मतलब जिससे आपके हेड के साथ वो बंधा होगा उसके क्वालिटी को आप जरूर देख लीजिए वो एडजस्टेबल है कि नहीं, उसको तो जरूर से देखिए, क्योंकि अगर आपके हेड के साथ वो सही से एडजस्ट नहीं होगा तो आपका वीआर बॉक्स जो है वो हो जाएगा लूज और उसके साथ आप वीआर वर्चुअल रियलिटी का मजा आपका बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा, आप मज़ा उसका सही से नहीं ले सकते हो। सो इस पांचों चीज़ को आप वीआर बॉक्स को खरीदने से पहले ज़रूर से ध्यान में रखिए, लाखों रुपए का वीआर खरीद रहे हो या फिर 1000 रुपए का वीआर खरीद रहे हो, डजेंट मैटर, सिर्फ इस पांचों फीचर्स को आप ध्यान से देखिए और उसके बाद एक प्रॉपर वीआर बॉक्स को खरीदिए और दिल खोल के एंटर कीजिए वर्चुअल दुनिया में। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा के उसके बगल में घंटी को दबा दीजिए और ऐसे ही बनाए रखें अपना साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।